वर्षों से नक्शा पास करने की समस्या अब जल्द ही दूर होने वाली है, जिसकी जानकारी में मेयर पन्नालाल भाटिया ने बताया कि अब 100 मीटर दायरे के बाहर हुए निर्माण कार्य के नक्शे पास होने का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसका लाभ लोगों को तो मिलेगा ही, करोड़ों रुपए का राजस्व भी निगम को प्राप्त होगा। इस तरह है भी जिहड़ा ओटीजी दे नेड़े तेड़े साड़ी डिवेलपमेंट हुण हैगी आ होई दी, कोई दुकाना बनी दी, कोई मकान बने दे, उहदे वास्ते साडे एमएलए साहब बड़ा इनिशिएटिव लै रहे आ, जिन्ना साड़ी ऑलरेडी कई मीटिंगा हो चुकी हैं, और साड़े डीसी साहब बहुत अच्छे ने भी, उन्होंने भी इस समस्या नूं समझदे होए सरकार नूं इहदियां लैटरां वगैरह लिखियां, इस केस नूं प्रस्यू किया सरकार अगे, और मैनूं पूरी उम्मीद हैगी आ भी लगभग असी साड़ी कोशिश तो 50 मीटर दी आ भी असी 50 मीटर तक इहनूं लै जाइए, तो 50 नहीं तो 100 मीटर तक साड़ी पूरी कोशिश है भी यह मसला जिहड़ा साडा हल हो जाएगा, और इहदी जिहड़ी फाइल आ असी प्रस्यू कर चुके थे सरकार नूं, डीसी साहब और साडे एमएलए साहब पूरे इस मुद्दे नूं देख रहे हैं, तो मैनूं पूरी उम्मीद है भी थोड़े ही समय के बीच यह जिहड़ा मसला वा जिहड़ा शहर वासियों का बड़ा पुराना मसला, इहनूं असीं पूरी तरह हल कर पाएंगे। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर डीएलएम रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।